वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज कोई ब्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी ऑनलाइन शॉपिंग जो कि मैंने करी है अमेज़ॉन से, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से और मीशो से। तो कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई है तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो थंबनेल देखकर ही आप सब लोग समझ गए होंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है मैंने, तो वहीं पर मेरा मन था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी चॉइस कैसी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो है मैंने लिए हैं ये कर्टन्स जो कि मैंने लिए हैं अमेज़ॉन से। और ये कर्टन्स आपने मेरे पहले के जो ब्लॉग्स हैं उनमें देखे भी होंगे। ये दो एक्स्ट्रा मैंने मंगवाए थे, बाकी मैंने सारे कर्टन्स जो है लगा लिए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं ये कर्टन्स। और तो हाँ, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, ये है अर्बन स्पेस कंपनी है और कॉटन के ये कर्टन्स हैं, 100% कॉटन के ये कर्टन्स हैं और 7 to 5 feet में मैंने ये कर्टन्स मंगवाए हैं। और ये जो कर्टन्स हैं वो दो का सेट है, ठीक है जी। और ये मुझे पड़ा है दो का सेट जो है 2500 यानी कि 2499 रुपये में मुझे ये दो कर्टन्स मिले हैं। और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर और प्रिंट भी बहुत सुंदर है। आप लोगों ने अगर जिन्होंने मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे उन्होंने ये कर्टन्स देखे भी होंगे मेरे घर में लगे हुए, तो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है ये। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, थोड़े से महंगे ज़रूर हैं पर बहुत सुंदर है। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, मैंने मेरे रूम में भी यही वाले कर्टन्स जो है अभी लगा रखे हैं, देखिए तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है जी। और एक ही कर्टन जो है वो मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। और ये जो कर्टन है इनको लगाए हुए मुझे हो गए हैं कम से कम 2-2.5 महीने हो गए हैं। जब मैं शिफ्ट हुई थी इस घर में तभी मैंने इनको लिया था। और उसके बाद जो है मैंने एक कर्टन जो है बच्चों ने ख़राब कर दिया तो मैंने उसे वॉश भी कर लिया, तो इसका जो है कलर बहुत अच्छा है, ठीक है। और कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ मंगवा ली और मैं बता रही हूँ आपको कि हाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यूज़ किया है, वॉश किया है और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ कैसी है। तो धोने के बाद जो है इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए इस तरह से हैं ये कर्टन्स, ये सुंदर सुंदर सी बटरफ्लाइज इस पे बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये जो रिंग्स है इसकी ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुड़ रही है या ख़राब हो रही है इसको इस तरह से करने से, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। काफ़ी थिक कपड़ा है इसका, काफ़ी मोटा है कपड़ा भी और ब्लैकआउट कर्टन्स हैं ये, तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल डिफरेंट है और मुझे ये बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं, लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ चेक कर लेना अगर किसी को लेने हो। और बाकी अगर आपको और भी कोई इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और थोड़े महंगे ज़रूर हैं पर अगर ये है कि कर्टन्स हम बार बार में तो लेते नहीं हैं, ठीक है, तो अगर एक बार हमें इन्वेस्ट करना है तो हम अच्छी चीज़ ले सकते हैं, थोड़ी महंगी ले सकते हैं, तो इस तरह का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये था मेरी सेकंड, मैंने लिए हैं ये वाले कर्टन्स जो कि मैंने लिए हैं बच्चों के रूम के लिए। तो ये भी मैंने हाल फिलहाल अभी लिए हैं, करीबन 2 महीने हुए होंगे लिए हुए, तो ये भी एक एक्स्ट्रा था। बाकी के जो भी कर्टन्स हैं वो मैंने लगा लिए हैं बच्चों के रूम में। और जिन्होंने मेरे बच्चों के रूम का टूर नहीं देखा है उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये वाले कर्टन जो है वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, कलर बहुत अच्छा है, बेबी पिंक कलर है और इस पर ये डॉल्फिन फिश वगैरह ये बनी हुई है,
और फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक जो है पॉलिस्टर है और थोड़ा शाइनी वाला जो कपड़ा होता है ना, शाइन है इस कपड़े में, पर कलर प्रिंट फैब्रिक काफ़ी अच्छा है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है इसके, प्राइस क्या है मुझे वैसे याद नहीं है, मैं जो है स्क्रीन पे बाद में डाल दूंगी कि कितने का मुझे मिला है ये। तो ये वाले कर्टन जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप अपने बच्चों का जो रूम है वो तैयार कर रहे हैं और अगर आप इस तरह के कर्टन जो है देख रहे हैं तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। मैं लिंक इनका भी जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर लेना, ठीक है जी। तो ये इस तरह के हैं, ओके। तो एक ये लिया था मैंने और ये भी मैंने अमेजोन से ही लिए हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया कर्टन्स, ठीक है। तो ये दो आइटम मैंने लिए हैं अमेजोन से। अब नेक्स्ट आइटम जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ मीशो के, ठीक है। तो मीशो से मैंने लिया है एक, ये मेरा जो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ये नाइट वेयर पहन के क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो ये मैं इसीलिए पहन के वीडियो बना रही हूँ कि मुझे अलग से आपको दिखाना ना पड़े। तो ये एक मैंने नाइट वेयर लिया है, ये मैंने मीशो से लिया है। इसका भी फैब्रिक जो है काफ़ी अच्छा है, रेयोन का है, कंफर्टेबल है पहनने में और एक दो बार मैंने वॉश भी कर लिया है। बिल्कुल इसका जो है कलर नहीं गया है, बहुत सुंदर कलर है और ये हार्ट्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, तो काफ़ी क्यूट सा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मीशो के भी जो भी आइटम है वो भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर लेना। तो फर्स्ट मैंने मीशो से लिया है ये नाइट वियर और सेकंड मैंने लिया है ये एक सूट मेरे लिए, ये इस तरह का है। ये कुर्ती है इस तरह की, जिसपे यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का सा वर्क है, बाकी प्रिंटेड कुर्ती है। ये कॉटन की है बिल्कुल से, पर है बहुत ही सुंदर, वाइट कलर में है और ये प्रिंट है। और इसके साथ हमें मिलती है ये पैंट, ये इस तरह की है। तो ये भी मैंने एक बार पहन लिया है, जिसने मेरा जन्माष्टमी प्रिपरेशन वाला व्लॉग देखा होगा ना, उसमें मैंने ये कुर्ती डाली थी। बहुत ही सुंदर है और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, तो मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। एक बार मैंने इसे वॉश भी कर लिया है तो कलर वगैरह भी नहीं गया है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला सूट। तो ये मैंने लिया है मीशो से, ठीक है जी। यहाँ पे ये डोरी है, तो ये कुर्ती और ये पैंट, ठीक है। तो ये मैंने लिया था मीशो से, ये भी मैंने अभी लिया है, जस्ट एक महीना ही हुआ होगा, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और नेक्स्ट आइटम मैंने लिया है मीशो से और ये बेडशीट, जो कि है इस तरह की बेडशीट है ये, और ये जो है डबल बेड की बेडशीट है। और ये मैंने ली है बच्चों के रूम के लिए, क्योंकि कर्टेंस में जो है इस तरह की ये फिश बनी हुई थी, तो उसी से मैच करने के लिए मैंने ये बेडशीट ली है। और इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, कॉटन तो नहीं है बेडशीट ये, पर ठीक है फैब्रिक। और वैसे भी बच्चों के रूम में जो है कॉटन की बेडशीट जो है इतनी, मतलब वो रहती भी नहीं है, बच्चे बार बार गंदी कर देते हैं। दो या तीन दिन में मुझे वॉश करनी पड़ती है बच्चों के रूम की बेडशीट, क्योंकि वो कलर वगैरह करते हैं तो कलर लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं। तो ये कॉटन नहीं है, पर फैब्रिक अच्छा है, सॉफ्ट है इसका फैब्रिक भी, और कलर और प्रिंट बहुत सुंदर है, बिल्कुल जो है कर्टन से मैच कर रहा था। थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, कर्टन का जो कलर है वो पिंक है, ये थोड़ा सा पीच सा कलर आ गया, पर अच्छा लग रहा है ये भी लगाने के बाद। मैं पूरा जो रूम का फोटो है कर्टन विद बेडशीट, कैसी लग रही हैं दोनों, मैं एक फ़ोटो डाल दूंगी साइड में, तो आप देख सकते हैं। तो ये एक बेडशीट मंगाई थी मैंने मीशो से, ज़्यादा महंगी नहीं है ये भी, काफ़ी अच्छी। और सारी जो चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने बेडशीट भी दो तीन बार बिछा ली है, तो कलर की कोई शिकायत नहीं है। और जो रुएं आ जाते हैं बेडशीट पर वो भी नहीं आए हैं। तो उसके बाद मतलब यूज़ करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी।
कर्टन्स भी मैंने यूज़ कर लिए हैं, वॉश भी कर लिए हैं, तो कलर की कोई शिकायत नहीं है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो ये 3 आइटम हो गए मीशो से। देखिए ये मैंने ली है क्यूट सी लालटेन, हमारे इधर राजस्थान में यही बोलते हैं, और काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मुझे मिली है। ये देखिए एक बॉक्स है और इसके अंदर ये एक और बॉक्स है, और फिर इसके अंदर इसको पैक करके इन्होंने भेजा है, क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ जो है ग्लास की है, तो पैक जो है काफ़ी अच्छा करके इन्होंने मुझे भेजा है ताकि टूटने का डर ना रहे। तो इसके लिए फ्लिपकार्ट को पूरे मैं 10 out of 10 दूंगी कि उन्होंने इतने अच्छा पैक करके भेजा है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ बड़ा दिल से मंगवाते हैं और अगर वो टूटी फूटी आ जाती है तो फिर मूड ख़राब हो जाता है। तो अगर अच्छी पैकेजिंग करी हुई हो तो चीज़ टूटेगी नहीं। तो उन्होंने ये 2 बॉक्स में जो है पैक करके भेजी है, एक ये वाला और इसके अंदर ये वाला बॉक्स था, और फिर बबल रैप भी किया हुआ था, पर जब मैंने इनको अनबॉक्स किया था तो वो बबल रैप जो है बच्चों ने निकाल लिए, तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में मिली। और आइटम जो देखी वो आप देखिए कितना सुंदर है, कितना क्यूट सा है, ये बहुत ही प्यारा लगा था मुझे, और ये मेरा बहुत मन था, काफ़ी दिन से मैं इसे मंगवाना चाहती थी। तो ये इस तरह से है, और ये जो है इस तरह से यहाँ से ये ओपन हो जाती है, और इसमें कैंडल डलेगी, और इसको वापस हम इस तरह से पैक करके ये पैक हो जाएगी। और ये देखिए, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी है ये। और ये इसमें मैंने जो है 4 का मैंने सेट लिया है, और ये मैंने ली है फ्लिपकार्ट से, ठीक है, और 4 मैंने ली हैं। देखिए ये सेकंड ये वाली है रेड कलर में, ठीक है जी, और एक ये है व्हाइट कलर में, ये भी बहुत सुंदर है, और एक ये मिली है मुझे येलो कलर में। तो ये 4 कलर में मैंने ली है, और बहुत ज़्यादा सुंदर है, कलर बड़े प्यारे हैं। मेरा तो मतलब दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इनको लगाने के लिए अभी थोड़ा रुकूं। मैं जब दिवाली पे घर को डेकोरेट करूँगी ना तब इनको लगाऊंगी, पर मेरा मन कर रहा है मैं अभी लगा लूं, पर हमारे यहाँ पे जो है राजस्थान में धूल मिट्टी बहुत होती है तो गंदी हो जाएगी तो मैं अभी नहीं लगा रही हूँ इनको। अभी मैं जब दिवाली पे डेकोरेट करूँगी घर को तभी मैं इनको लगाऊंगी। बाकी कलर बहुत सुंदर हैं और बहुत क्यूट सी हैं। एक और आइटम जो मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से वो है ये वाला, और ये बहुत ही प्यारा सा है, मैंने अपने किचन के लिए लिया है ये। तो आप भी अगर अपने किचन को थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं, कुछ अलग उसमें करना चाहते हैं, तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, और इसमें हमें ये इस तरह से मिल जाता है इसे हैंग करने के लिए। और ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं जो है अपने फ्रंट कैमरा को यूज़ कर रही हूँ अपने फ़ोन के, तो मैं आपको बैक कैमरा से इसको दिखा देती हूँ 2 मिनट। हाँ जी, तो ये इस तरह से है, और यहाँ पे लिखा है मॉम्स किचन और लिखा है कुक्ड विथ लव, तो ये इस तरह का है। ये इस तरह से, तो ये है वेलकम टू आवर होम। ये भी आपको उल्टा नजर आ रहा होगा क्योंकि मैं जो है फ्रंट कैमरा यूज कर रही हूँ, तो चलिए मैं इसे बैक कैमरे से आपको जो है दिखा दूंगी, बाद में दिखा दूंगी आपको मैं। और ये भी काफी अच्छा है और काफी क्लासी लग रहा है, और ये यहाँ पे एक जूट की रस्सी दी हुई है, तो इसे भी मैंने अभी लगाया नहीं है, दिवाली पे ही लगाऊंगी, ठीक है, एंट्रेंस पे काफ़ी अच्छा लगेगा, वेलकम टू आवर होम। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, तो ये भी मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से, ठीक है जी, काफ़ी अच्छा सा है ये, बड़ा प्यारा सा है, ठीक है। तो एक आइटम ये है, और
है, 1 2 3 4 5 कुशन का सेट है। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिए हैं, तो ये 5 प्रिंट है इसमें, 2 3 4 और 5। ठीक है जी, तो प्रिंट अगर देखें तो बहुत सही है, A1 है, बड़े ही सुंदर है प्रिंट, बड़े ही कलरफुल हैं, काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर आप घर को जो है एक काफ़ी कलरफुल थीम में सजा रहे हों तो काफ़ी अच्छी लगेगी ये चीज़। ठीक है, ये देखिए, ये वाला भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये वाला भी बेस्ट है। अब बात करते हैं इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आगे से जो है ये जूट में है और पीछे भी जो है एक मतलब बहुत ज़्यादा पतला सा कपड़ा है, तो मतलब क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है, बट रेट के हिसाब से देखें तो ठीक है। मतलब इन्हें आप सिर्फ एक या दो बारी ही शायद यूज़ कर पाओगे, क्योंकि वॉश करने के बाद शायद मुझे लग रहा है इसका जो है कलर है वो भी जाएगा। तो पर ये है कि आप जैसे कभी कभार इनको कोई घर पे मेहमान आ रहे हो तब अगर आप ये कुशन कवर्स लगाते हैं तो अच्छे लगेंगे, बाकी डेली में आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेली में जब गंदे हो जाएंगे वॉश करेंगे तो कलर जाएगा ही जाएगा, और कपड़ा भी इतना अच्छा नहीं है कि वॉश मतलब काफ़ी बार वॉश कर लो ये ख़राब नहीं होगा, ये ख़राब हो जाएंगे। पर रेट के हिसाब से ठीक है, इस रेट में मतलब महंगा नहीं है और कलर और प्रिंट काफ़ी सुंदर है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिए हैं, 5 का सेट है ये, और इनका भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और किस रेट में लिए हैं रेट मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें हैं जो करीबन कम से कम 2 महीने पहले ली हैं, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने में लिया है, तो वो भी मैं जो है स्क्रीन पर डाल दूंगी कि मैंने कितने में लिए हैं बाद में मैं चेक करके। ठीक है जी, ओके। तो ये किए आइटम इस तरह से ये लगेंगे ऐसे वॉल पे, ठीक है। और इस पे चाहे तो हम जो है कोई भी प्लांटर जो है वो हैंग कर सकते हैं, टांग सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे सुंदर है ये, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एक ये बटरफ्लाई बनी हुई है और इस तरह से है ये ब्लैक कलर में, तो ये मैंने 2 मंगवाए हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, सुंदर लगेंगे जब इस तरह से हम इनको वॉल पे लगा देंगे और कुछ इसमें हम जो है जो प्लांट वाले टांगने वाले जो कंटेनर आते हैं वो अगर हम इसमें लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हैवी है, ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब हैवी हम इसमें नहीं लगा सकते, काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत हैं, ये देखिए बड़ा मतलब मजबूत चीज़ें हैं, तो ये भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। और ये भी मैंने आइटम लिया है फ्लिपकार्ट से और ये मुझे मिले हैं, हाँ प्राइस तो इसमें भी लिखा हुआ नहीं है, बाकी मैं जो प्राइस है कितने का है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो ये आइटम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मुझे रिटर्न करनी पड़ी हो, कुछ इस तरह से वॉल शेल्फ है जो ब्लैक और वाइट कलर में है, ठीक है, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और लगने के बाद तो और भी अच्छे लगेंगे। तो ये वॉल शेल्फ मंगाए हैं मैंने और ये काफ़ी सारे कलर्स में आपको मिल जाएंगे, मैंने ब्लैक और वाइट में मंगवाए हैं क्योंकि मुझे यही कलर चाहिए था। और क्वालिटी देखें तो काफ़ी अच्छी है, मजबूत है ये, और ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के से हैं, और सारी चीज़ें जो मुझे मिली है वो मतलब सही सलामत मिली है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ टूटी हुई है या कहीं पे कुछ स्क्रैच है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ा या एक्सचेंज नहीं करवाना पड़ा, मुझे सारी चीज़ें जो है काफ़ी अच्छी मिली हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टेप ही लगी हुई है, इसको अगर हम साफ़ करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है पैक होके आया था, बट जब मैंने इसको
खोला ना तो इस पे सेलो टेप लगी हुई है, तो इसको अगर मैं वॉश करूंगी तो ये साफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी अभी तक मैंने लगवाया नहीं है, ये भी मैं दिवाली के आसपास ही जो है लगवाऊंगी, अभी मैंने नहीं लगवाए हैं। तो ये आइटम भी मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है जी, कलर भी इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मैंने तो वाइट और ब्लैक में लिए हैं। तो ये 6 का सेट है, 6 शेल्फ मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मैंने तो शेयर कर दी आप लोगों के साथ अपनी छोटी सी शॉपिंग, आपको कैसी लगी? अब आपकी बारी है, आप लोग मुझे बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी शॉपिंग, मेरी चॉइस आप लोगों को कैसी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक दो चीज़ें और है जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो भी मैंने ऑनलाइन ही ली है। एक तो आप मेरे जस्ट पीछे जो ये बेडशीट देख रहे हैं, ये मैंने ली है मिंत्रा से, क्योंकि ये जो बेडशीट है वो बेडशीट और मेरे कर्टन्स जो है बिल्कुल मैच कर रहे थे, तो ये मैंने ली थी मिंत्रा से। और ये बेडशीट जो है मैं काफ़ी टाइम से जो है यूज़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने ले ली और आपको फर्स्ट टाइम मैं इसको बिछा रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको मतलब आपने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी देखा होगा, ये बेडशीट काफ़ी टाइम से मेरे बेड पे है और उसके बाद मैंने इसे एक दो बार वॉश भी कर लिया, तो कलर इसका नहीं गया है। थोड़ी सी महंगी ज़रूर है पर फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, प्योर कॉटन में है, कलर अच्छा है, कलर बढ़िया है, फैब्रिक भी अच्छा है और प्रिंट भी बहुत सुंदर है। तो ये वाली बेडशीट का जो लिंक है मिंत्रा से मैंने ली है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बाकी मेरे कर्टन से जो है बिल्कुल ये मैच कर रही थी, तो ये मैंने ली थी मिंत्रा से। जो है मैंने इधर उधर लगा ली है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड फ्रेंड्स, एक मैंने ये लैंप भी लिया था, फ्लिपकार्ट से ही लिया था ये भी मैंने, और ये वुडन का बना हुआ है और गणेश जी इसमें बने हुए हैं, इस तरह से है ये, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और अभी इसे लगवाए हुए 2-4 दिन ही हुए हैं पर ये बहुत प्यारा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैंने आपको पहले लाइट्स में दिखाया, फिर लाइट ऑफ करके मैंने आपको दिखाया कि ये कैसा लग रहा है, तो ये भी बहुत ही प्यारा पीस है। और हाँ, ये एक मैंने मैट भी मंगवाई है, मुझे मेरे मंदिर के आगे बिछाने के लिए चाहिए थी, तो ये भी बहुत अच्छी मुझे मिली है, और ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही ली है। और क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है, मतलब जिस प्राइस में मुझे मिली है उस प्राइस में ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्राइस भी मैं बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 500 समथिंग की ये है। और ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऊपर से ये मतलब ख़राब हो रखी, वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कलर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ठीक है जी।